नमस्कार, मैं हूँ युद्धवीर सिंह चौहान और हम आ पहुंचे हैं वार्ड 47 में। हम कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं भी हूँ मैदान में वार्ड 47 के भाजपा प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव के साथ। गौरव जी नमस्कार। जी, अभी क्षेत्र में जिस तरह के कार्य चल रहे हैं, आपकी क्या योजना है क्षेत्र में? सर्वप्रथम योजना यह रहेगी, अगर क्षेत्रवासी और विश्वास रखकर मेरे पक्ष में मतों का प्रयोग करते हैं और मुझे विजय बनाते हैं, तो क्षेत्र में जितनी अनियमितता है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्षेत्र में कुमारगंज मोहल्ले की है, जिसमें गंदगी पैर पसारे हुए हैं। ऐसे मौसम, बिना बरसात के मौसम में वहाँ 2-2 फीट का पानी भर जाता है, और अभी 10 दिन पहले 15 दिन पहले कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ पर डेंगू से बीमार व्यक्ति ना हो। सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी सफाई की रहेगी। अगर मैं बनकर आता हूँ, जनता मुझे चुनती है, तो क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से। आपकी जीत का मुख्य आधार? सब समाज में सब लोगों का समर्थन मुझे प्राप्त है, क्योंकि मैं कई वर्षों से संगठन में कार्य कर रहा हूँ। संगठन में लोगों के बीच में मैंने काम करा है, सारा युवा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। उस शिक्षित होने के नाते जैसे मैं PhD हूँ, सारा समाज मेरी जानता है, और इसी नाते सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को कराने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो कार्य हम कहाँ से करा सकते हैं। अगर क्षेत्र में आप पार्षद बनकर के आते हैं, तो आपके क्षेत्र की क्या योजना है, किस तरीके से आप विकास में अपने क्षेत्र के लोगों की सहायता करेंगे? और सारी समस्या क्षेत्र के अंदर जाती है, उन समस्याओं को मंत्र दिया गया है। सभासद चुनने के बाद, चूंकि प्रदेश में हमारी सरकार है, मेयर हमारी पार्टी का बनेगा, विधायक हमारी पार्टी का है, जो सभासद स्तर के ऊपर की समस्याएं हैं, वो समस्याएं भी हम अपने जनप्रतिनिधियों के संगठन के माध्यम से पूरी तरीके से हल कराने का प्रयास करेंगे। जी, आपने अभी बात रखी कि क्षेत्र का विकास करेंगे, दूसरी चीज ये कि अभी आप लाइव चल रहे हैं, अब वार्ड 47 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि 29 नवंबर को चुनाव है, तो किस तरीके की आप अपील अपनी जनता क्षेत्र की जनता से करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि निस्वार्थ भाव से सब प्रत्याशियों का चाल चलन देखते हुए, उनकी शिक्षा को देखते हुए, उनकी समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए निष्पक्ष रूप से विचार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पक्ष में मतदान करें। जो प्रत्याशी इस योग्य हो कि वो क्षेत्र का विकास कर सके, कोई दाग धब्बा उसके ऊपर ना हो, उसके पक्ष में मतदान करें, उसे विजय। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार यही समाप्त होते हैं और हम चलते हैं अगले वार्ड में।